अभी संपूर्ण ईवी को बने हुए लगभग 15 महीने हुए हैं। इन 15 महीने की जर्नी हमारी काफी रंबल राइड रही है। कुछ सफलताएं देखी, कुछ असफलताएं देखी, लेकिन पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार नए सेलिंग पॉइंट, लगातार नए सेल्स हब, लगातार नए डिस्ट्रीब्यूटर्स और असेंबली लाइन हम डाल रहे हैं। इसके अलावा लगातार OEMs के साथ हम नए नए टाई अप कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा OEMs संपूर्ण ईवी के प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड हो रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से वो वाला टाइम है जब हम रनवे पे बहुत दौड़ना हो गया, अब हमको टेक ऑफ लेना है। और जब भी आप टेक ऑफ लेते हैं तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में बूटस्ट्रैप कंपनी होने का जो फायदा मिलता है वो इमेंस है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हम बहुत तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ हम बढ़ना चाहते हैं उतनी तेजी के साथ हम बढ़ सकते हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ हमारी डेवलप हो चुकी है और उस स्ट्रेंथ का फायदा उठा के हम बहुत तेजी के साथ अभी आगे बढ़ेंगे। अभी 9 से 12 महीने तक संपूर्ण ईवी का कोई इरादा नहीं है कि वो बाहर से फंडिंग लेके आएगी। अभी इंटरनल रिसोर्सेज जनरेट हो चुके हैं, रेवेन्यू स्टार्ट हो चुकी है, प्रॉफिट आना चालू हो गया है। तो संपूर्ण ईवी अपने इंटरनल रिसोर्सेज को यूज करके इस कंपनी को आगे बढ़ाएगी। और एक बार जब कंपनी आगे बढ़ जाती है और इतनी आगे बढ़ जाती है कि उससे अगली जंप लेने के लिए हमको कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज की जरूरत है, तो उस स्टेज पे संपूर्ण ईवी दोबारा से फंडिंग की तरफ काम करेगी।